मॉर्निंग एवरीवन। तो सबकी सुबह होने के बाद जो है मेरी सुबह होती है, मतलब कि मैं सबसे लेट उठती हूँ घर में भी और इस दुनिया में भी सबसे लेट उठती हूँ सोकर। तो आज और रात को थोड़ी गर्मी गर्मी सी लगती है, तो मैं स्वेटर खोल लेती हूँ। सुबह ठंड हो जाती है दोबारा, तो दोबारा से पहननी पड़ती है। ऐसे मेरी जिंदगी में मेरा टाइम चला हुआ है, जो मेरा दिल करता है जिस टाइम पे मेरा दिल करता है मैं वो ही करती हूँ। दिल करेगा 10 बजे उठना तो 10 बजे उठती हूँ, दिल करता है कि 9 बजे उठना तो 9 बजे उठती हूँ। पर वैसे यार सच में जल्दी उठना चाहिए मुझे। लोग सुबह उठ के बाहर घूमने के लिए जाते हैं और मैं सुबह सुबह अपनी चप्पल पहन के चश्मा लगा के चाय पीने के लिए जाती हूँ। वैसे बाहर भी अच्छा ही मौसम था और जल्दी जल्दी से मैंने अपनी खिड़की खोली और मैंने देखा धूप आ गई है, उसके बाद ही मैं उठती हूँ जब धूप आ जाती है, वरना उठने का दिल करता ही नहीं है। ऐसा लगता है सोते रहो, क्योंकि हिमाचल में सुबह सुबह ठंड होती है तो उठने का मन नहीं करता। तो मेरे को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने जो है फेस वॉश नहीं किया है। ये थी हमारी गाड़ी जो कितने टाइम से यहाँ पे खड़ी थी, और एक मिला था हमें कार्ड जो कि मार्च में शादी है तो हम जाएंगे शादी में भी जरूर। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। इसके बाद मेरा मन था एक चाय पीने का, पर मैंने चाय बंद कर दी हुई है, तो मैंने दूध गर्म किया यहाँ पे। और दूध के साथ आजकल पता ही है आप लोगों को कि मैं बॉर्नविटा खाती हूँ, खाती नहीं हूँ पीती हूँ, सॉरी मुँह से जल्दी जल्दी से निकल जाता है मेरे से। तो मैंने बॉर्नविटा डाला ग्लास में, मेरा ग्लास मिल नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा और ग्लास ले लिया यहाँ पे। तो दूध को ज़्यादा गर्म करने से उसमें मलाई बन जाती है, तो मैंने यहाँ पे ग्लास में उसको डाल दिया और मलाई मेरे को मिली नहीं। वैसे चाय वाला लुक लिया था इसने, तो मैंने सोचा चलो यार छत पे चाय पीते हैं जाके और देखते हैं। तो बाहर मैं जब गई तो इतनी सारी हवा चली हुई थी और पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं ये धुंध थी कि क्या था। और 2-3 दिन से मौसम ऐसे ख़राब ही था, बारिश वाला था, तो मम्मी ने आज सारे कपड़े धोए थे। उसके बाद मैं आई नीचे, नीचे मेरे सारे बाल गंदे हो गए थे, हवा चली हुई थी तो सारे बाल ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में, रूम में मैंने अच्छी तरह से सफाई की हुई थी एकदम। तो मेरे रूम में जो है एक भगवान की तस्वीर नहीं थी, तो मैंने लगा तस्वीर जो कि मेरे को गिफ्ट में मिली हुई थी। तो मम्मी ने आज खाने में बनाया था दाल और चावल, तो चावल मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मंडी में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं चावल ही खाते हैं। तो उसके बाद मेरा आया एक पार्सल, तो इसको ओपन करके मैंने देखा। तो मैं कभी भी कुछ भी ऑर्डर करती हूँ तो इतनी खुशी होती है जब वो मुझे मिल जाता है। वैसे मुझे कोई गिफ्ट वगैरह देता नहीं है, ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला था। तो उसके बाद हमारा पार्सल यहाँ पे आया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको ओपन किया और इसमें थी एक जीन्स जो कि मैंने ट्राई की थी, तो ठीक बट थोड़ी क्वालिटी इसकी कम थी। प्राइस इसका 500 कुछ था, 600 की थी ये, बट मैंने जो है डिस्काउंट पाया था इस पे और मेरे को 500 कुछ की पड़ी थी ये। वैसे भी आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने पे थोड़ा डिस्काउंट मिल ही जाता है, और कैश ऑन डिलीवरी करो तब तो फिर सामान कुछ और ही मिलता है, बट चलो ठीक ही थी ये। वैसे थोड़ी थोड़ी धूप आ गई थी पर। तो ये था मेरा एक गुगलू, मतलब कि गुगलू नहीं, मैं इसको पारुल बोलती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड थी एक कॉलेज टाइम में, उसने दिया था मेरे को ये। अरे घर के ऊपर से जहाज जा रहा है वो देखो, मेरी आंखों को दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ है, अब देखो दिख नहीं रहा, अब दिख रहा कैमरे की मदद से। ये देखो वो चला गया वो, ये है। अगर मेरे पास कोई काम नहीं हो तो मैं कोई ना कोई काम निकाल ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज हम पेंट करेंगे एक अपनी दीवार को, क्योंकि वो दीवार काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो अभी मैं पेंट मिला रही थी। वैसे तो ये चुनना है, पेंट है नहीं, तो यहाँ पे जो पहले मैं इस दीवार को साफ करने वाली थी, साफ करने के बाद जो मैंने पेंट करना था, तो यहाँ पे मैंने पहले भी पेंट किया था, मतलब कि चूना फेरा था। तो ये देख सकते हैं आपकी इस दीवार से कलर कैसे निकल रहा था, तो ये पूरा कलर मैंने निकालना था, तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। तो मैं लगी अपना काम करने के लिए और इतनी मेहनत लगी थी कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। पहले तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा था कि मैं ये निकाल रही हूँ पेंट, और उसके बाद फिर सजा लगने लग गई है मेरे को, क्योंकि मेरे हाथ और उंगलियां जैसे मैं इसको कलर निकाल रही थी तो इस दीवार के साथ टच हो रहे थे और मेरी चमड़ी भी छिल जा रही थी बार बार। तो मैंने बड़ी मेहनत से इसको निकाला यार सच बोलूं तो, पर मेरे को एक था कि हाँ यार पेंट करना है इसमें। और धूप भी अच्छी आई हुई थी, तो दादी भी यहाँ पे बैठे हुए थे देखने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। वैसे बारिश हुई थी उसके बाद ये दीवार खराब होने लग गई थी, क्योंकि जो पानी आता है वो इस दीवार पे गिरता है और इसका पेंट निकलने लग गया था। तो हर साल ऐसा ही होता है कि इसका पेंट निकलने लग जाता है और दोबारा से मैं इसको पेंट करने लगती हूँ। जल्दी जल्दी से यहाँ पे इसको निकाल रही थी जो कलर था यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी वो मैंने यहाँ पे निकाली, और मैं थक चुकी थी सच बोलूं तो। और यहाँ पे मेरे जो मैंने ये पंख बनाया हुआ था, मतलब विंग्स बनाए हुए थे, यहाँ पे किसी ने जो इसका मोर बना दिया था। वैसे ये मोर था नहीं, ये विंग्स ही थे, इसमें मैं फोटो लेती थी। तो मैं काफी थक गई थी और मम्मी लेके आए थे चाय और हलवा,
तो पहले तो मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि हलवा बना दो, फिर मैंने बोला मैं क्या, मैं काम कर रही हूँ, फिर मम्मी ने खुद ही बना दिया हलवा। और मम्मी जो है हमारी क्यारी में बैठी हुई थी, जो हमने लगाई हुई थी यहाँ पे क्यारी, उसमें बैठ गए थे जाके कुर्सी लगा के, और काम इतना हुआ था तो मैंने सोचा यार हलवा खा लेते हैं, उसके बाद काम ही तो करना है दोबारा से। हलवा और चाय पीने के बाद, मतलब खाने के बाद, मैं यहाँ पे लगी पेंट करने, जो मैंने पेंट यहाँ पे मिलाया हुआ था। तो ये छह चूना जिससे हाथ फट जाते हैं, अगर आप लोग थोड़ी देर चूने में हाथ अपने डाल रखोगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। तो एक टिप बताऊंगी मैं आप लोगों को, जो सरसों का तेल होता है, मतलब कड़वा तेल होता है, वो आप लोगों ने अपने हाथों पे पहले लगा लेना है, उसके बाद फिर कलर करने लगना है, तो उससे जो आपके हाथ नहीं फटेंगे। वैसे अगर नहीं लगाओगे तो आपके हाथ में खून भी निकल सकता है, इतना खराब होता है ये चूना। रंग लाई और अच्छा पेंट हुआ यहाँ पे ऊपर तक, ये थोड़ा हो गया है गंदा, वहां से भी रह गया थोड़ा सा, मम्मी बोल रहे थे वहां पे भी देना है थोड़ा थोड़ा, तो इसको कर, मैं सोच रही हूँ इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं अपनी तरह चश्मा बनाऊंगी। तो मम्मी मना कर रहे थे इसको नहीं हटाना है, तो मैं सोच रही हूँ हटा देती हूँ, ऐसे चश्मा बनाएंगे इसमें एक ऐसे बस। ये बना पांडू, छोटा सा पांडू। तो 4 बजे के टाइम में छत पे गई थी घूमने के लिए, तो मैंने देखा कि एक कबूतर यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे बैठा भी नहीं था मतलब गिरा हुआ था ये, तो ऐसा लग रहा था कि इसको लगी हुई है या इसको थोड़ा बहुत तो मतलब चोट पहुंची हुई है। तो मैं इसको काफी देर तक यहाँ पे बैठ के देखती रही, मैं क्या उठ जाएगा ये इसको लगी होगी तो मैं इसको उठा लूंगी, तो फिर ये गिरता हुआ मतलब दूसरे छत पे चला गया, मेरे को पता नहीं लगा। मैं कह मम्मी कबूतर को लगी हुई है भाई, पकड़ते हैं उसको फिर ले आते हैं अंदर। मम्मी बोलती हाँ बेचारे को लगी होगी, चलते हैं फिर लाने के लिए चले गए हम। उससे पहले मम्मी बोल रही थी, बोले हम ऐसा करेंगे ना, मैं ऐसा करूंगी इस कबूतर की पैरों पूरों में मुंह वगैरह लगाऊंगी फिर ये ठीक हो जाएगा फिर। आ क्या पता काले कितने। मम्मी फूल दवाई लेके बैठी हुई थी, मम्मी ने भेजा पापा को कि कबूतर पकड़ के ले आओ, बोले पापा पहुंचे पास जैसे कबूतर मम्मी मेरी साइड चाड़े कितने ही चाड़े। क्या वो कबूतर की कहानी सुना। कबूतर चाड़े कितने, बेइज्जती होगी कबूतर ने बेइज्जती कर दी मम्मी की। फिर शाम को गए हम मार्केट में, तो दोबारा से यही मोड़ था जहाँ पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पे आए थे हम सामान लेने के लिए। मम्मी ने सामान लिया और मेरे को एक ये बचपन में खाते थे हम, वो भी ले लिया। घर जाके पापा यहाँ पे गाड़ी लगा रहे थे, फिर मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि वो गिर गया मेरे हाथों से नीचे। तो ये बचपन में हम बहुत ज्यादा खाते थे, वैसे इसको पोपला बोलते हैं और होता बहुत टेस्टी है ये, तो आप लोगों ने भी पक्का खाया होगा, अगर खाया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। और पहले ये ज्यादा चटपटे होते थे, अब मतलब थोड़ा कम है क्योंकि बच्चों से खाया नहीं जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा खाते हैं इनको। धूप मेरे कमरे तक आ रही है, मतलब कमरे में आ रही है, और मैं अभी अभी नहा के आई क्योंकि पेंट करते करते मेरे हाथ देखो फट गए हैं, ऐसा लग रहा है खुद को, क्योंकि वो चूना था और चूने से हाथ फट जाते हैं। तो आजकल मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ ब्लॉग बनाना।